हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, हम अपने करेंट अफेयर वन लाइनर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। इसके साथ साथ इनसे रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले हाल ही में हरियाणा की पूजा जात्यान ने वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है, जिसकी वजह से हाल ही में पूजा जात्यान चर्चा में रही है। अब यहाँ पर पूजा जात्यान ने वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीता है, तो हम यहाँ पर वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2022 के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप की बात करें तो यह 19 फरवरी से 27 फरवरी के बीच यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित किया गया, जबकि इस पे 40 देशों के 212 कंपिटिटर्स ने भाग लिया। इसके अलावा वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप 2022 की बात करें तो इसका आयोजन 2021 में होना था, लेकिन ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस की वजह से इसका आयोजन फरवरी 2022 में करना पड़ा। इसके अलावा हाल ही में भारत और जापान ने द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण किया है। अब भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था का नवीनीकरण किया गया है, तो हम यहाँ पर जापान के बारे में भी बात करेंगे। जापान की बात करें तो यह एक आइलैंड कंट्री है। इसके अलावा इसकी कैपिटल की बात करें तो टोक्यो जापान की कैपिटल है, जबकि यहाँ पर करंट में प्राइम मिनिस्टर फ्यूमियो किशिदा। और जापान की करेंसी की बात करें तो यहाँ पर जापानीज येन करेंसी है। इसके अलावा हाल ही में संजय पांडे को मुंबई के नए पुलिस आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया है, जिसकी वजह से हाल ही में संजय पांडे चर्चा में रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा रूस के राष्ट्रपति से ओलंपिक सम्मान वापस लिया गया है, जिसकी वजह से हाल ही में IOC चर्चा में रहा है। IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका फॉर्मेशन 23 जून 1894 को हुआ, जबकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो लुशेन स्विट्जरलैंड में है। इसके साथ साथ करेंट में IOC के जो चेयरमैन है वो थॉमस बैक हैं। इसके अलावा हाल ही में NAAC यानी कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल के नए चेयरमैन के रूप में भूषण पटवर्धन को अपॉइंट किया गया है। इससे पहले NAAC के जो चेयरमैन थे वो जगदीश कुमार थे, जिन्हें अब UGC का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। अब यहाँ पर NAAC के चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है, तो हम यहाँ पर NAAC के बारे में भी बात करेंगे। NAAC की बात करें तो यह एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है। इसके अलावा इसका काम हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का असेसमेंट और एक्रेडिटेट्स करना होता है। इसके अलावा NAAC की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1994 को हुआ, जबकि इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके अलावा हाल ही में 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन 19 मार्च से हरियाणा में किया जाएगा। 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले का आयोजन 2021 में होना था, लेकिन कोरोना के चलते इसे स्थगित करना पड़ा। इसके अलावा जो सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला होता है उसका आयोजन हर साल फरवरी में किया जाता है, लेकिन पहली बार 2022 में इसका आयोजन मार्च के महीने में किया जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान शुरू किया गया है, जो कि बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा हाल ही में PNP हाउसिंग ने राजस्थान में वाटर सेड विकास परियोजना शुरू की है, जिसकी वजह से हाल ही में राजस्थान चर्चा में रहा है। अब यहाँ पर राजस्थान चर्चा में रहा है, तो हम यहाँ पर राजस्थान के बारे में भी बात करेंगे। राजस्थान की बात करें तो यह भारत का नॉर्थ इंडियन स्टेट है। इसके अलावा क्षेत्रफल के मामले में यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर करेंट में गवर्नर कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैं। इसके अलावा 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों का आयोजन 12 मई से 23 मई के बीच वियतनाम में आयोजित किए जाएंगे।
अब यहाँ पर 31वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का आयोजन वियतनाम में किया जाएगा, तो हम यहाँ पर वियतनाम के बारे में बात करेंगे। वियतनाम की बात करें तो यह एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, जबकि इसकी कैपिटल हनोई है। इसके साथ साथ वियतनाम की बात करें तो यहाँ पर जो करेंसी है वो डोंग यहाँ पर करेंसी है। फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस प्रकार के यूजफुल वन लाइनर हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। इस प्रकार के वन लाइनर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।